दांतों के बिना हम जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह हमारे लिए इतने जरूरी है कि हमारी पूरी पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं। अगर इनकी सही ढंग से देखभाल नहीं की जाए तो हमारे दांत बुरी तरह से खराब हो जाते हैं और उनमें दर्द शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपने चेहरे की बेशकीमती मुस्कान भी खो देते हैं। लेकिन अगर शुरू से ही दांतों की देखभाल अच्छी तरह से की जाए तो दांतों में होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। तो चलिए आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में एक डेंटिस्ट द्वारा बताते हैं कि कैसे आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार दुगा है। अच्छा, आई एम ए रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। ओके। मैंने 1964 में मेडिकल कॉलेज लखनऊ ज्वाइन किया, केजी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। अच्छा। और 68 में मैंने ग्रेजुएशन किया कंप्लीट। हाँ। अच्छा। उसके बाद मैंने 71 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। उसके बाद फिर मैंने 5 साल आर्मी ज्वाइन करी। अच्छा, आप आर्मी में भी? मैं 5 साल आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन जाने के बाद मैं फिर प्रैक्टिस में आ गया और मैं आज तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर, कितने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? सिंस 1979 से आप अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, अगर जैसे कि मैं बात करूँ कि बहुत से लोगों को आजकल तकलीफ होती है दांतों में, तो सर हमें आप सबसे पहले ये बताइए कि हमें अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? बेसिक प्रॉब्लम विद द पीपल इज योर नेग्लेक्ट ऑफ ओरल हाइजीन। अगर आप अपने ओरल हाइजीन ठीक रखेंगे तो आपकी जो डेंटल प्रॉब्लम्स हैं एटलीस्ट 80-90% कम हो जाएंगे। जैसे कि सर, हमें क्या करना चाहिए? ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको एक तो प्रॉपर डाइट, सेकेंडली आपको ब्रशिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम, या ब्रशिंग इवनिंग एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम करनी चाहिए। रात को ब्रश करने के बाद सिवाय पानी पीने के आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। आपको बच्चों के दांतों में बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो कुछ समझ में नहीं है कि क्या है। बच्चे के दांत जो हैं 6 महीने की उम्र से निकलने शुरू होते हैं और 3 साल तक उनके जो हैं मिल्क टीथ, जिनको हम बोलते हैं डेसिडस टीथ, वो पूरे हो जाते हैं। और आप देखेंगे मोर देन 70% चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे हैं, उनके दांत में एक या एक से ज़्यादा दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, कैविटी है, जिसको आप कैविटी बोलते हैं। हाँ। उसको हम बोलते हैं केरीज। अच्छा। उस केरीज को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, वो ही है जो बेसिस है। आपको अगर आपका मिल्क ठीक रहेगा तो आपका जो परमानेंट दांत है वो भी ठीक निकलेगा। अगर वही अगर आपका निकल जाए, मिल्क टूथ अगर निकल जाएगा, तो आपको जो परमानेंट दांत है वो आगे पीछे निकल सकता है, वो भी बच सकता है। अगर आप जो दांत बच्चों का दांत निकालने के बाद उनमें प्रॉपर स्पेस मेंटेनर या और तरीके भी हैं उनको बचाने के लिए, वो करिए। अच्छा सर, अगर मैं बात करूँ कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे हमारे, सबसे बड़ी बात है तंबाकू। अच्छा, तंबाकू, तंबाकू बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तंबाकू इज द एनिमी ऑफ, बिकॉज इट काजेज लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आई एम टॉकिंग अबाउट डेंटल, तो तंबाकू डेंटल के लिए, डेंटिस्ट्री के लिए बहुत नुकसानदायक है। ओके। तो तंबाकू नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा पान, तंबाकू, पान ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मिठाई भी खाइए, ये नहीं ना खाइए, खाइए, बट अपना ब्रश जरूर कीजिए। अच्छा, ब्रश करनी चाहिए। फाइब्रस फूड इज़ वेरी गुड, फाइब्रस फूड इज़ वेरी गुड फॉर टीथ। जैसे कि अब सेब हुआ, फाइब्रस एंड जूसी फूड, दे आर वेरी गुड, इन सबको खाना चाहिए। हाँ। आकांक्षा दीक्षित, लोकल 18, दिल्ली।